लास्ट टाइम हमने टेबल के बारे में पढ़ा था और हम स्ट्रक हो गए थे कि टेबल का बॉर्डर जब हम लगा रहे थे 1% सॉलिड ब्लैक या जिस तरह का भी बॉर्डर हम लगा रहे थे, तो हमारे पास बॉर्डर का इशू आ रहा था। इस इशू को मैंने फाइंड आउट कर लिया था। हमारे पास दो इशू थे इसमें, एक पेज, ये जो हमारे पास पेज था, एक इशू हमारे पास ये आ रहा था, ये जो लिंक है इसका, हमने क्योंकि CSS को हम जब अटैच करते हैं HTML के पेज के साथ हम लिंक देते हैं, तो यहाँ पे इशू आ रहा था। यहाँ पे हम टाइप करते वक्त हमारा कर्सर ऊपर गया है, तो हमने कोई चीज़ इसमें से मिसप्लेस कर दी थी, स्टाइल का ये कुछ और फाइल छोड़ रही थी इस वजह से। और दूसरा एक बॉडी में भी हमने यहाँ पे बॉडी के जो टैग है हमारे पास उसमें हमने आगे मतलब कुछ वर्ड ऐड कर दिए थे, तो इस तरह से हमें इशू आ रहा था। तो अभी वो इशू रिजॉल्व हो चुका है। अभी और चीज़ों को आप छोड़ें, हमने ये टेबल बनाया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसमें हमारे पास दो रोज हैं, एक रो ऐड कर लेते हैं। तो अभी ये देखिए हमारे पास ये टेबल है दो, इसमें हेडर पे हमारे पास फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम है और तीन रोज मैंने इसमें ऐड की है। नेक्स्ट हम ये देखते हैं तमाम जो CSS और दूसरी मैंने जो की है इसको मैं कंट्रोल एक्स कर देता हूँ। हमने क्या किया है कि इस टेबल पे बॉर्डर अप्लाई किया जो उस दिन हम अप्लाई कर रहे थे, नहीं अप्लाई हो रहा। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया है, बॉर्डर का टैग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि बॉर्डर किस तरह का लगाते हैं। हम सिंपल सॉलिड बॉर्डर हमने लगाने की कोशिश की है, 1 पिक्सल सॉलिड और ऑरेंज कलर का बॉर्डर। तो ये बॉर्डर हम टेबल में देखते हैं कि हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा। ये देखिए हमारे पास टेबल में हमारे पास ये बॉर्डर डिस्प्ले हो रहा है और बॉर्डर डबल लग गया है हमारे पास। देखिए हर एक हमारे पास जो सेल है उस सेल के का भी बॉर्डर आ रहा है और ओवरऑल टेबल का भी बॉर्डर आ रहा है। तो क्यों ओवरऑल टेबल का बॉर्डर आ रहा है, पेज पे जाते हैं, हमने क्या कहा हुआ है कि टेबल का भी बॉर्डर ऐड कर दो, TH का भी बॉर्डर ऐड कर दो और TD का भी बॉर्डर ऐड कर दो। इसलिए हमारे पास टेबल का अलग बॉर्डर आ रहा है और इन जो हमारे पास TD और TH है हमारे पास इनका अलग अलग बॉर्डर आ रहा है, इस तरह हमारे पास डबल बॉर्डर आ रहा है। अक्सर हमें तो टेबल में डिस्प्ले डबल बॉर्डर शो नहीं करना पड़ता, तो फिर हम क्लैप्स की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं बॉर्डर क्लैप्स को। क्लैप्स को इसको हम क्लैप्स कर देते हैं, बॉर्डर क्लैप्स करेंगे जब हम, तो हमारे पास बॉर्डर सिंगल बॉर्डर शो हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास सिंगल बार पे शो हो रहा है, इसकी इंक्रीज करके 5 पिक्सल करते हैं, दो इसकी वेट्स हमारे पास ज़्यादा हो गई है। इस तरह हम बॉर्डर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हमने इस टेबल को वेट्स देनी है, टेबल वेट्स 80% दे देता हूँ, हमारे पास पेज का 80% टेबल ऑक्यूपाई करेगा, तो ये हमारे पास टेबल की विड्थ आ गई है। बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा होगा कि आप अभी हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट की कोई प्रॉपर्टी नहीं इस्तेमाल की। जब भी हम टेबल यूज़ करते हैं तो इसका जो टेक्स्ट होता है हमारे पास TD का जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट अलाइन होता है, जबकि TH का हमारे पास जो टेक्स्ट होता है वो सेंटर अलाइन होता है। तो हम इसकी अलाइनमेंट ठीक भी कर सकते हैं, हम कहते हैं कि नहीं कि हमारे पास जो TH का टेक्स्ट है वो भी लेफ्ट अलाइन हो जाए। तो कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, टेबल हेडर को का टेक्स्ट हमने सेंटर में अलाइन कर लेफ्ट अलाइन करना है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम। तो जाग रहा है तो टेक्स्ट अलाइन सर। टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करेंगे तो हम हमारे पास इसका टेक्स्ट लेफ्ट हो जाएगा। मीन कि ये हम लेफ्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करके इसका टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। हम कहते हैं कि नहीं TH और TD, ये मैंने आपको तरीका बताया था कि जब एक ही प्रॉपर्टी दो चीज़ों पे हमने अप्लाई करनी है तो हम उनके दरमियान में क्या लगाते हैं, कामा अगर लगाएंगे तो वो दोनों चीज़ों पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो हम इसको सेव करके हम इसको करते हैं सेंटर। बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे पास TH तो सेंटर था ही, लेकिन ये हमने दोनों पे प्रॉपर्टी अप्लाई की तो फिर दोनों का टेक्स्ट हमारे पास सेंटर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम TH और TD का
बॉर्डर मीन बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर, तो मैंने येलो दे दिया। ये देखिए हमारे पास इनका बैकग्राउंड कलर भी आ गया। नेक्स्ट टेबल की विड्थ, कि टेबल की विड्थ हम लगा सकते हैं, यहाँ पे हमने 80% लगाई है, 100% जितने परसेंटेज में आप पिक्सल में लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पिक्सल में लगाते हैं इसकी विड्थ, तो मैं करता हूँ 600 पिक्सल विड्थ दे देता हूँ इस टेबल को। इसकी विड्थ हमारे पास 600 पिक्सल आ गई, तो ये देखिए हमारे पास 600 पिक्सल इसकी विड्थ आ गई। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास लैप्स की प्रॉपर्टी, में ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं कि जब भी हमारे पास बॉर्डर डबल शो हो रहा होता है, जब हम बॉर्डर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं और उस प्रॉपर्टी को डबल बॉर्डर को ख़त्म करने के लिए बॉर्डर लैप्स की प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल विड्थ और हाइट। विड्थ हमने यूज़ की थी तो अभी हम हाइट भी यूज़ कर सकते हैं। मीन हम चाहते हैं कि हमारे पास जो हेडर है, हेडर का जो हमारे पास जो सेल है उसकी हाइट ज़्यादा हो जाए, तो इसी पे हम इस्तेमाल करते हैं। हाइट हम 200 पिक्सल कर देते हैं, तो ये 200 पिक्सल हमारे पास हेडर की हाइट आ जाएगी। तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट हेडर का टेक्स्ट जो होता है वो सेंटर में होता है, जबकि हमारे पास टीडी का जो टेक्स्ट होता है टेबल उसका टेक्स्ट लेफ्ट लाइन होता है। इसकी अलाइन की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन की लेफ्ट राइट और सेंटर हम कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑलरेडी अभी मैंने अप्लाई कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट हम करते हैं कि वर्टिकल अलाइनमेंट। तो हमारे पास जो टेक्स्ट होता है वो हम वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये टेक्स्ट, अगर हमने इसकी हाइट दे दी, टेक्स्ट हमारे पास ये सेंटर में आ रहा है, तो हम इस टेक्स्ट को टॉप पे, सेंटर पे या बॉटम पे हम अप्लाई कर सकते हैं। मीन के हम इसके अलाइनमेंट इसकी क्या कर सकते हैं, टॉप पे अलाइन कर सकते हैं, सेंटर पे अलाइन कर सकते हैं और बॉटम में अलाइनमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसको हम लेफ्ट अलाइन करते हैं टेक्स्ट को, टेक्स्ट लाइन सेंटर था इसको मैं लेफ्ट करता हूँ। तो दूसरा हमारे पास क्या था, वर्टिकल अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है। इसी तरह यहाँ पे ही मैं वर्टिकल अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी, वर्टिकल अलाइन में करता हूँ टॉप, ये देखिए हमारे पास टेक्स्ट, क्योंकि ऑलरेडी ये तो इनकी विड्थ भी उतनी है कि जितनी इनका इनका टेक्स्ट है, इनकी हाइट इतनी है। ये देखिए हमारे पास टेक्स्ट टॉप पे अलाइन हो गया। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं सेंटर, ये सेंटर में हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बॉटम की अप्लाई करते हैं, ये देखिए हमारे पास बॉटम में टेक्स्ट आ गया। अगर हमारे पास सेल की विड्थ सेल की अगर हाइट ज़्यादा हो तो हम टेक्स्ट को अलाइन टॉप, सेंटर और बॉटम पे, हम तीनों जगहों में से जिस जगह पे हम चाहें टेक्स्ट की अलाइनमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि टेबल के सेल्स को हम पैडिंग भी दे सकते हैं। पैडिंग और जो हमारे पास मार्जिन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, फिर भी बता दूं कि पैडिंग हमारे पास टेक्स्ट के जो उसका जो कंटेंट होता है और उसका बॉर्डर होता है उसके दरमियान में जो हमारे पास स्पेस होता है उसको हम पैडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये हमारे पास लेफ़्ट बॉर्डर है, लेफ़्ट बॉर्डर के साथ है टैच, मीन इसकी पैडिंग यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर हमारे पास पैडिंग इसकी ज़ीरो है। तो अगर हम इसकी पैडिंग अगर ज़्यादा करना चाहते हैं
हम अगर सिर्फ पैडिंग लेफ्ट की हम अप्लाई करते हैं, इधर ही हम टी डी और टी एच दोनों में अप्लाई करते हैं, पैडिंग पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल अप्लाई करते हैं। अभी आप ब्राउज़र में देख रहे होंगे कि ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे तमाम टेक्स्ट लाइन है। अगर पैडिंग हम लेफ़्ट साइड से देंगे तो इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें 10 पिक्सल लेफ़्ट से इसकी पैडिंग आ गई। अगर सिंपल जस्ट हम पैडिंग अप्लाई करेंगे तो वो 10 पिक्सल लेफ़्ट से, टॉप से, राइट से, तो बॉटम से हमारे पास आ जाएगी। टेक्स्ट हमने यहाँ पे देखें, टेक्स्ट हमने बॉटम पे किया हुआ था लेकिन हमने पैडिंग दी है, पैडिंग की वजह से हमारे पास टेक्स्ट लाइन से थोड़ा सा ऊपर शो है, लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से ऑलरेडी स्पेस था, हमें पैडिंग पास नज़र नहीं आ रही, लेकिन लेफ्ट साइड से और बॉटम से और टॉप से ये हमारे पास सेल में नज़र आ रही है। इसी तरह हम सेल सेल को पैडिंग वगैरह भी दे सकते हैं। सर ये सिंगल सेल्स को भी हम दे सकते हैं उसमें भी? जी सिंगल सेल में सिंगल सेल्स, सिर्फ सिंगल सेल्स में सर काम करें अगर, तो मैं ये तो सर ओवरऑल होता है ना, आप टीडी में नहीं, करते हैं तो उस टीडी के सारे सेल्स में चेंजिंग आती है। ठीक है मैं भी अप्लाई करता हूं, मेरे पास यहां पे पीटर, इसको मैं कह देता हूं पीटर 1, ये वाला सेल है ना हमारे पास पीटर 1, इस पे मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूं। फिर मैं क्या करूंगा, इसको मैंने देनी है आईडी, लागू क्लास दे देते हैं, आईडी में दे देता हूँ टी डी, आईडी के नाम से मैंने आईडी दी इसको, इसको मैं कॉपी करके अपने पास इसके सीएसएस अप्लाई करता हूँ। बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ग्रीन, तो ये देखिए इस पर हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं हम इसको। अभी एक और बात करते हैं, अच्छा सर ये आईडी या क्लास देनी होगी तब जाके होगा जी, आईडी और क्लास, क्योंकि हमने इसको पॉइंट करना है ना, किसी के थ्रू पॉइंट करना है, तो यहाँ पे तो हम पॉइंट कर रहे हैं, जनरल पॉइंट कर रहे हैं, टीएच और टीडी को पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम फिर उस आईडी की बेस पे उस रो को मीन या उस टेक्स्ट को या उस सेल को हम पॉइंट कर रहे हैं, उस सेल को हमने यहाँ से पॉइंट किया है आईडी के थ्रू, क्लास भी दे सकते हैं आईडी भी दे सकते हैं। ठीक सर थैंक यू। हालांकि हमने इसकी ये ऊपर लिख दिया ये नीचे लिख दिया, लेकिन इससे इफेक्ट नहीं किया इसने, क्योंकि उस पर हमने जो अप्लाई किया हुआ था वही प्रॉपर्टी इसने अप्लाई किया। तो नेक्स्ट हमारे पास हॉवरेबल टेबल, आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ टेबल्स हमारे पास शो हो रहे होते हैं, हम उन पे जब माउस लेकर जाते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है, हावर करते हैं, मीन हावर का मतलब क्या होता है कि माउस हावर मीन कि माउस उस टेक्स्ट के ऊपर उस बटन के ऊपर लेकर जाने के अमल को माउस हावर कहते हैं, तो मीन कि जब हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम इस रो पे हम अगर लेकर जाएं तो ये रो पूरी हाईलाइट हो जाए, इसका कलर चेंज हो जाए, तो इस तरह का की प्रॉपर्टी हम टेबल पर किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि टी आर पे हम क्या करेंगे, हावर हम लिखेंगे टी आर डबल कॉलम हावर लिखेंगे, उसमें जो बैकग्राउंड कलर हम दे देंगे वो कलर हमारे पास आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं टेबल रो पे प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं टेबल रो पे हावर की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं हावर, जब ये हावर हो तो इसका बैकग्राउंड कलर हम कहते हैं बैकग्राउंड कलर हमारे पास पिंक,
पेज को रिफ्रेश करते हैं। देखिए हम जैसे ही जिसके जिस रो के ऊपर हावर करते हैं तो वहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता है, जैसे ही माउस हम बाहर लेकर आते हैं उसका कलर दोबारा वही हो जाता है। तो ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ से ख़त्म की थी, क्योंकि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की मैंने इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई थी और ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई थी, तब ये काम नहीं कर रहा था। अभी मैं ये वाली चीज़ें ख़त्म करके दोबारा करता हूँ, अभी हमारे पास अप्लाई होगा क्योंकि मैंने ये कोड इसीलिए ख़त्म किया था। अभी हमारे पास ये फुल टेबल उसी तरह आ गया है, क्योंकि बैकग्राउंड की ऑलरेडी पहले हम प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करेंगे हावर की अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई नहीं होगा बैकग्राउंड अगर हमने नहीं दिया हुआ इसकी प्रॉपर्टी। देखिए ये अगर हमने हावर किया, ये हम किसी टीडी के ऊपर भी लगा सकते हैं इस तरह आपने कहा। हम कहते हैं कि ये TR, हम कहते हैं सिर्फ TD के ऊपर जब हावर करें तो वो TD हमारे पास हो जाए। ये देखें जिस TD के ऊपर मैंने हावर किया तो वो, क्योंकि ये TH है, TH के ऊपर हमने प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई की थी, तो ये हावर की प्रॉपर्टी से हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसमें और चीज़ें भी, हम उसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास ये होता है कि स्ट्रिप टेबल, आपने देखा होगा कुछ टेबल्स हमारे पास शो हो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल इवन रोज़ का अलहदा कलर होता है, ऑड रोज़ का अलहदा कलर होता है। उस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसके, हम कहते हैं कि ये TR है, इसका nth चाइल्ड में हमारे पास जो इवन है उसका कलर ये करते हैं nth डैश चाइल्ड, और इसके अंदर हम जो प्रॉपर्टी लिखेंगे तो वो प्रॉपर्टी हम उस प्रॉपर्टी के ऊपर हम कोई भी मतलब CSS अप्लाई कर सकते हैं। तो भी हम हावर तो हमने चलिए अप्लाई कर दिया, अभी हम इसका पहले ये करते हैं कि टेबल थोड़ा सा इसका साइज हम ज़्यादा कर देते हैं, रो ज़्यादा कर देते हैं। बॉर्डर भी 1 पिक्सल कर सकते हैं। अभी हमने क्या अप्लाई करना था कि टेबल के जो इवन है, इवन का या ऑड का हम कलर चेंज करना चाहते हैं, पहले इवन का करते हैं फिर ऑड का करते हैं। हम कहते हैं जी किया nth चाइल्ड, ये हमारे पास आ गया एंड चाइल्ड इवन, अगर इवन है इस पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। हम कहते हैं बैकग्राउंड कलर सिल्वर, हमारे पास सिल्वर कलर आ गया। वो इसी तरह हम और पे भी अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे हमने यहाँ पे जस्ट इवन को ऑड कर देना है, यहाँ पे ये वाला कलर हम इसको येलो कर देते हैं। अभी टेबल की जो इवन रोज हैं उनका कलर, ऑड रोज हैं उनका कलर चेंज हो जाएगा। पहले तो ये कलर चेंज नहीं हुआ सर, आपने क्लिप लिखा हुआ कलर की जगह। गुड, बैकग्राउंड कलर सर, हम ये देखें हमने इवन ऑड रोज का कलर हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी आवर की अप्लाई की थी तो आवर भी अभी काम कर रहा है, और इवन और ऑड का कलर हमारे पास चेंज हो गया इस स्ट्रिप टेबल के थ्रू हम कर सकते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि टेबल का बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें इतना कोई इशू नहीं है। बैकग्राउंड कलर किसी भी चीज़ का हम चेंज कर सकते हैं,
कलर मीन के उसके उसके टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर सकते हैं। सर अगर कॉलम में करना हो तो कॉलम सर में उसके लिए क्या टैग होगा? सिर्फ टैग बता दें सर। तो हम क्या आप क्या कहते हैं कि कॉलम सारे का कॉलम कर वाइज मतलब कलर चेंज हो, ये रो वाइज है ना, जी तो कॉलम वाइज अगर कलर सो चेंज करने हो या इस तरह का कोई डेटा चेंज करना हो। पहले तो हम देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी कॉलम में मैंने अप्लाई तो नहीं की, लेकिन टी डी में अप्लाई होती है या नहीं होती, तो फिर देखते हैं उसके बाद होनी तो चाहिए। ये देखिए ये कॉलम वाइज हो गया हमारे पास, मैंने ये हमारे पास क्योंकि हमने दोनों दो थे ना इसके सेल, तो मैंने क्या कहा है टी डी में एन चाइल्ड आर्ट जो है हमारे पास आर्ट पे येलो हो जाए, ये आर्ट पे येलो हो गया हमारे पास, ठीक ठीक है सर, ये इसी तरह सही, ज़्यादा होते थे ठीक हमारे थैंक पास आर्ट इवन दोनों आ जाते, इसी तरह हम यहाँ पे भी इवन पे हम गेट कर देते हैं टी डी में। ये चीज़ें जब हम टेबल बना रहे होते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती हैं बहुत ज़्यादा। ये देखिए आर्डर इवन अगर ज़्यादा होते तो ज़्यादा भी हम कर सकते थे। सर। अगर फर्ज करें टेबल में हमारे पास 50 नेम्स हैं, जी तो सर हम उसे कैसे एडजस्ट करेंगे? टीटी और ये टीएच और टीडी का, टीआर और टीडी का ही टैग यूज करके लिखते जाएंगे या नहीं उसके लिए कोई अलग टैग यूज नहीं करेंगे? नहीं देखिए हमारे पास अगर बहुत बड़ा टेबल है फॉर एग्जांपल 200, वो रिकॉर्ड हमने हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो जब हम वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं तो हम खुद ही इंटर कर रहे हैं, टेबल बना रहे हैं उसमें डेटा इंटर कर दें कर रहे हैं, ये तो अच्छा तरीका नहीं होता। अक्सर हमारे पास वेबसाइट में जो टेबल में डेटा आ रहा होता है वो डेटाबेस से आ रहा होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आपको मैं टेबल बता दूँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम जो हमारे पास क्या तो गया ये इंडेक्स फाइल के जरिए हमारे पास एक होता है ना टेबल रो होती है एक टेबल बॉडी होती है, मैंने टैग आपको बताया था जब हम टेबल का कर रहे थे हमारे पास टी हेड और टी बॉडी, तो टी बॉडी में हम लूप लगा के वो वैल्यूज एंटर कर देते हैं, ज़ाहिर है टी डी जितना जितना बड़ा टेबल होगा तो वो टी टी एच टी डी तो होंगी, लेकिन वो हमें हर एक की वैल्यू खुद एंटर करने के बजाय हम लूप लगा के उसमें वैल्यू एंटर कर देते, समझ आ गई है कुछ? जी सर, थैंक यू। अगर नहीं आई तो मैं कुछ एग्जांपल आपको फिर बता दूंगी, तो एक एग्जांपल बता देना बाद में, लास्ट में। चले लास्ट में मैं आपको बता दूंगा इसकी एग्जांपल। नेक्स्ट हमारे पास रिस्पॉन्सिव टेबल है, ज़ाहिर है जब हम टेबल बनाते हैं तो डिफरेंट डिवाइसेस पे यूज़ करने होते हैं, तो टेबल को रिस्पॉन्सिव रखने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्योंकि जब भी हमारे पास जब टेबल रिस्पॉन्सिव नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई टेबल है, टेबल बना लेते हैं लंबा नहीं टेबल को वेट ही दे देते हैं हमारे ज़्यादा, ट्वेंटी सिक्स 100 पिक्सल, बड़ी स्क्रीन तो नहीं होती लेकिन फिर बड़ी वैल्यू मेरे सामने आ रही, तो ये देखें हमारे पास टेबल तो शो हो रहा है लेकिन ये देखें नीचे हमारे पास हॉरिजेंटल बार आ रहा है, ये हमारे पास स्क्रॉल आ गया नीचे, जब टेबल की वैल्यू ज़्यादा होती है तो फिर वो क्या कर देते हैं हॉरिजेंटल हमारे पास शो कर देते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि रिस्पॉन्सिव टेबल में तो ये हॉरिजॉन्टली इसको अगर जब भी हम टेबल को अगर रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं जितनी भी स्क्रीन पे हम जाएंगे तो फिर अगर हमने ये किया हुआ है ओवरफ्लो ये हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस और भी आगे जब हम बूटस्ट्रैप वगैरह पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह वो टेबल हमारे पास ऑटोमेटिकली खुद बहुत रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको सी एस एस में रिस्पॉन्सिवनेस अगर नहीं आती तो आपने जस्ट ये कर देना है कुछ हद तक रिस्पॉन्सिव ओवरफ्लो एक्स एक्सिस पे ओवरफ्लो जो है अगर आप ऑटो कर देंगे तो वो टेबल हमारे पास कुछ हद तक रिस्पॉन्सिव शो हो जाएगा, लेकिन कब शो होगा कि जब हम टेबल का के मतलब कि इसी में किसी डिव में हम टेबल को यूज़ करेंगे, डिव में मैंने टेबल यूज़ किया हुआ है टाइम कम रह गया चलिए हम इंशाल्लाह वाइंड अप कर लेंगे इसको।
इसी पे डिव पे मैं इनलाइन प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेता हूँ। स्टाइल मैंने कहा कि एक्स एक्सिस पे इसका ओवरफ्लो ऑटो करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जब हमने ओवरऑल टेबल यूज किया था तो वो उस पूरे पेज के ऊपर हमारे पास स्क्रॉल बार आ रहा था ना, पूरे पेज के ऊपर। तो अभी टेक्स्ट हमारे पास, ये देखें, ये टेबल के ऊपर ही स्क्रॉल बार हमारे पास शो हो गया। तो मीन के ये वाला टेबल हमारे पास रिस्पॉन्स है। अभी छोटी स्क्रीन पर अगर हम जाते हैं तो ये टेबल हमारे पास शो हो रहा है। तो अगर हमें इसकी ज़्यादा वैल्यू देखनी है तो हम क्या कर देंगे, स्क्रॉल बार बजाय इसकी। कि अगर हम इसको रिस्पॉन्सिव नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, अभी मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई नहीं की, फिर आपको ये देखिए पूरे पेज के ऊपर स्क्रॉल बार है, ये टेक्स्ट भी हमारे पास स्क्रॉल बार में शो, पूरा पूरा टेक्स्ट। मीन के हमारे पास वो टेबल, उस टेबल को ही रिस्पॉन्सिव करने के लिए उसकी ओवरफ्लो एक्स की प्रॉपर्टी हम क्या कर देंगे, ऑटो कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज हैं। टाइम चले हैं तो हम इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास टेक्स्ट जब डिस्प्ले होता है, फॉर एग्जांपल हमने कोई डिव लगानी है, कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई स्पैन का टैग यूज़ करना है, वो जब डिस्प्ले होता है तो उसकी दो सेंस हो सकते हैं, या तो वो ब्लॉक में डिस्प्ले होगा या वो इनलाइन डिस्प्ले होगा। इनलाइन और ब्लॉक ऑलरेडी शायद हम डिस्कस कर चुके हैं, या नहीं किया तो फिर अभी हम देख लेंगे। ब्लॉक का क्या होता है कि ब्लॉक में हम, जब भी हम ब्लॉक में डिस्प्ले कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो वो क्या करता है कि वो पूरा हमारे पास लेफ्ट से और राइट से इन पूरी विड्थ ले लेगा। फॉर एग्जांपल हमने अगर कोई डिव यूज़ करनी है तो ये नहीं होगा कि डिव के कोने में कोई और टेक्स्ट नज़र आ रहा है, नहीं, वो लेफ्ट से और राइट से पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। इसी तरह जब हम एच वन का टैग यूज़ करते हैं, पैराग्राफ का, फॉर्म का, हेडर का, या फुटर का, या सेक्शन का, कोई भी टैग हम यूज़ करते हैं, तो जब हम उसको ब्लॉक शो करेंगे तो वो मीन के लेफ्ट और राइट दोनों जगहों से मीन वो स्पेस ले लेगा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो दूसरा हम इनलाइन पढ़ के फिर हम इसकी एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनलाइन। इनलाइन का क्या होता है कि एक एक ही जगह पे हमारे पास डिफरेंट टैग्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं स्पेन, यहाँ पे दिस इज़, ये हमारे पास पैराग्राफ था, यहाँ पे इसने क्या किया है इनलाइन, यहाँ पे स्पेन टैग इसने यूज़ करके ये जो हाईलाइट किया हुआ है इसमें, ये फॉर एग्जांपल इसमें हमने स्पेन यूज़ किया है, तो ये इसी के अंदर ही रहेगा, पैराग्राफ के अंदर ही रहेगा, क्योंकि ये हमारे पास इनलाइन है। इनलाइन का मीन कि एक ही लाइन के ऊपर हमारे पास डिफरेंट टैग्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। इनलाइन की जो एग्जांपल्स हैं, हमारे पास स्पेन का टैग है, इमेज का टैग है, एंकर टैग है, लेकिन ये तो हमारे पास बाई डिफ़ॉल्ट जो टैग्स हैं, फॉर एग्जांपल हम यूज़ करेंगे, जिस तरह ऊपर हमने ब्लॉक के टैग्स यूज़ किए तो ब्लॉक शो हो जाएगा टेक्स्ट, और ये इनलाइन के टैग हमने यूज़ किए तो ये इनलाइन शो हो जाएगा। लेकिन हम CSS के थ्रू इन चीज़ों को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इस तरह का ब्लॉक है कि जो मीन की इनलाइन है, हम उसको ब्लॉक किस तरह शो कर सकते हैं, कोई ब्लॉक है हम उसको इनलाइन किस तरह शो कर सकते हैं, इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए हमारे पास CSS में डिस्प्ले की प्रॉपर्टी होती है। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को हम कोई वैल्यू दे के तो हम उसको इनलाइन को ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक को इनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं हम, इधर मैंने एक यूज़ की है, यहाँ पे आप कोड अगर देख लें, स्क्रीन मेरी जूम हो गया आपको नज़र आ रही है, तो मैंने स्पैन यूज़ किए हैं। चलें इसको नेक्स्ट लाइन पे कर देते हैं। ये मैंने तीन स्पैन यूज़ किए थे टैग, स्पैन के तीन टैग। ये आपको फिर बताता चलूँ कि स्पैन का टैग हमारे पास इनलाइन टैग है, क्योंकि ये आगे पीछे टैक्स इसका शो होगा, एक ही लाइन में शो। तो मैंने एक में स्पैन वन, दूसरे में स्पैन टू, तीसरे में मैंने स्पैन थ्री रख दिया, और इसको मैंने हर एक को मैंने एक आई डी साइन की है, एक को वन, दूसरे को टू और तीसरे को थ्री, तीन आई डीज़ मैंने इनको दे दी। तो अभी कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बगैर हम इसको स्पैन का, तो यहाँ पे इसने कुछ, चलो नहीं ठीक है,
देखते हैं कि हमारे पास ब्राउजर में किस तरह डिस्प्ले हो रहे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा, देखें स्पैन वन, स्पैन टू और स्पैन थ्री, ये आपको एक ही लाइन में नज़र आ रहे हैं। अभी हम ये चाहते हैं कि ये तीनों जो हमारे पास ब्लॉक में शो हैं, फिर हम क्या करेंगे, हमने जो क्लासेस इस पर लगाई थी, या वैसे हम स्पैन, क्योंकि स्पैन का और कोई टैग नहीं यूज़ किया हुआ, जस्ट हम स्पैन का टैग भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम इसकी क्लास के थ्रू, आईडी के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम क्या क्या कहते हैं इसको, डिस्प्ले, अरे इस तरह कर डिस्प्ले हम करते हैं इसको ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक किया, ये देखिए हमारे पास स्पैन वन टू और थ्री हमारे पास मुख्तलिफ लाइन्स पे शो हो रही हैं। अगर हम इन लाइन करते हमारे पास, तो ये बाई डिफ़ॉल्ट भी हमारे पास इन लाइन ही होते हैं, तो ये हमारे पास एक ही लाइन में शो हो रही है। तो इसी तरह हमारे पास डिव्स को भी हम इन लाइन कर सकते हैं, या हमारे पास इसी को स्पैन को हम डिव कर देते हैं, क्योंकि डिव हमारे पास ब्लॉक है, तो इसको हम इनलाइन कर सकते हैं। इसको भी मैं डिव कर देता हूँ, इसको भी डिव, ये हमारे पास तीन डिव्स आ गए। तो पहले देखते हैं कि ब्राउजर में हमारे पास किस तरह डिस्प्ले हो रहा है टेक्स्ट। स्पैन वन, स्पैन टू और स्पैन थ्री, क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट ये ब्लॉक थे, तो हमारे पास अगर हम इसको इनलाइन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वन टू और थ्री हमारे पास जो आईडीज हैं इनको एक्सेस करते हैं, इसके प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, वन कॉमा टू कॉमा थ्री, तो मैंने एक्सेस किया, इसके डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, डिस्प्ले इनलाइन, ये टेक्स्ट हमारे पास एक ही लाइन पे शो हो रहा है, ये इनलाइन, ये हम कब यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, ये तो छोटी सी मैंने एग्जांपल दी। बाज़ दफ़ा जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, हमें दो तीन डिव्स एक ही लाइन में शो करनी होती हैं, तो फिर हमें इशू ये आ जाता है कि वैसे डिव में जैसे ही हम डिव यूज़ करेंगे वो नेक्स्ट लाइन में चली जाएगी। तो फिर हम क्या करते हैं, एक तो उसको वेट दे देते हैं पहले, कि मीन के पहली डिव को फॉर एग्जांपल हमने 30% दे दी, दूसरी को हमने 20%, इसी तरह तीसरी को करके हम 100% डिव हमने उसकी वेट दे दी, उसके बाद हमने उसकी डिस्प्ले की प्रॉपर्टी जब इनलाइन करेंगे वो तीनों डिव्स हमारे पास एक ही लाइन में शो हो जाएंगे। तो ये आपने आपका होम असाइनमेंट है, आपने डिव्स को यूज़ करके मुझे बताना है कि किस तरह आपने यूज़ किया है और क्या ये डिस्प्ले हो रही है या नहीं। तो दैट वाज, और इसका मतलब ये कि हम जब सेक्शंस बनाते हैं, डिवाइड करते हैं 50-50 के दो अगर कॉलम्स बनाते हैं, रिकॉर्डिंग बंद कर दें,